सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी रिसेंटली हेडक्वार्टर ऑफ NWR जयपुर ने 2 सितंबर 2022 को जो है एक नोटिस रिलीज किया था, जिसमें NWR ने जो है उदयपुर से जोधपुर के बीच में चलाई जाने वाली वंदे भारत की संभावित समय सारणी जो है शेयर की है, और कौन कौन से स्टॉपेजेस हो सकते हैं अगर जोधपुर से उदयपुर के बीच में चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस, तो इसके बारे में जो है बात करी गई है, जिसके बारे में आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं कि इन फ्यूचर अगर जोधपुर से उदयपुर के बीच में वंदे भारत ट्रेन चलाई जाती है तो उसके स्टॉपेज और टाइमिंग क्या होने वाली है। तो सबसे पहले तो आप ये नोटिस यहाँ पे देख सकते हैं, आगे जो भी बात होने वाली वो मैं इसी नोटिस के बेस पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दे रखा है कि जो वंदे भारत ट्रेन चलाई जानी है वो जोधपुर से नहीं बल्कि भगत की कोठी स्टेशन से सुबह 5 बजे जो है रवाना करी जाएगी, और भगत की कोठी से लेकर मारवाड़ के बीच में इसका एक भी स्टॉपेज यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, और मारवाड़ से लेकर अजमेर के बीच में भी इसका एक भी स्टॉपेज नहीं दिखाया गया है। टाइमिंग वगैरह जो है आप मैच कर सकते हैं मारवाड़ अजमेर जो भी स्टेशन है उनकी, और अजमेर के बाद ये सीधा रुकेगी चांदेरिया, चांदेरिया के बाद ये सीधा जाएगी उदयपुर की तरफ। अब यहाँ पे निराश होने वाली बात यह है कि इस टाइम टेबल में जो है चित्तौड़गढ़ को कहीं पर भी मैंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब साफ है कि ये जो ट्रेन है वो चित्तौड़गढ़ को बाईपास करने वाली है। वैसे मुझे लगता है कि चित्तौड़गढ़ पे भी इसका स्टॉपेज होना चाहिए, बाईपास निकलना चाहिए, बिकॉज चित्तौड़गढ़ राजस्थान की मेन सिटी है, एक मेन डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर उदयपुर से लेके जोधपुर के बीच में वंदे भारत चली जाती है तो जोधपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, ये 4 मेजर सिटीज़ जो है कनेक्ट हो पाती है वंदे भारत की वजह से। तो इससे ओवरऑल रेलवे का रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि जितनी मेजर सिटीज़ कनेक्ट होते ही पैसेंजर वंदे भारत में चढ़ेंगे उतरेंगे और पैसेंजर्स को भी जो है काफ़ी ज़्यादा सुविधाएँ भी मिलेंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि चित्तौड़गढ़ भी वंदे भारत को लेकर जाना चाहिए। बाकी ये तो बस टेम्पररी बेसिस पर टाइम टेबल शेयर किया गया NWR के हेडक्वार्टर के द्वारा। बाकी जब भी उदयपुर को वंदे भारत ट्रेन अलॉट होती है अगले साल, तब देखते हैं क्या टाइमिंग रहती है वंदे भारत की, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं या नहीं। बाकी इस नोटिस को अभी ज़रा सीरियसली अपन को लेना है नहीं, बिकॉज सबसे पहली गलती तो यहाँ पे ये कर दी कि इस वंदे भारत ट्रेन को यहाँ पे जोधपुर से नहीं बल्कि भगत की कोठी स्टेशन से शुरू होते हुए दिखाया गया है। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लगी मुझे इस जो है नोटिस में, और चित्तौड़गढ़ नहीं लेके जा रहे वंदे भारत को, चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान की मेन सिटी है। तो ये भी मुझे एक निराशा हुई इसको देख के। बाकी तो देखते हैं जब भी वंदे भारत ट्रेन उदयपुर को अलॉट होती है तब फाइनल आउटकम जो है क्या निकल के आता है। बाकी आपकी क्या राय है इस नोटिस को देखने के बाद, वंदे भारत की स्टॉपेज और टाइमिंग को देखने के बाद, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरूर से बताइए। एंड मैं बोलना चाहूँगा कि इतना मेरी तरफ से आज की इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और इन फ्यूचर इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ही मजेगा। इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्द किसी एक और नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई इंटरेस्टिंग अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।